हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे पुराने सॉन्ग्स को बर्बाद करके, क्योंकि अच्छा हमसे कुछ लिखा नहीं जा रहा और जो बचा कुछ अच्छा है उसे हम अच्छा रहने नहीं देंगे। और जब अच्छा कुछ बचेगा ही नहीं तो ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा कि अच्छा म्यूजिक क्या होता है। सही बात है। पहले डीजे रिमिक्स करते थे और सिंगर्स गाना गाते थे, लेकिन अब डीजे की जरूरत उतनी है जितने सॉन्ग में लिरिक्स की। अब हमारे टोनी भैया को देख लो, इन्होंने एक नई टेक्निक सीख ली है। गाने में किसी अच्छे स्टार को लेंगे तो क्या गालियां कम पड़ेगी? बहुत तेज हो, फॉर एग्जाम्पल साथ क्या निभाओगे, ये गाना था तो अच्छा लेकिन मेरे और आपसे हम दोनों से पुराना। इन्होंने लिरिक्स को शादी की थाल समझ ली है। खट्टा भी डाल दो, मीठा भी डाल दो, दही बल्ले भी डाल दो, उसे पनीर की सब्जी भी रख दो, चावल भी उसी पे रख दो, मतलब हमारा क्या जा रहा है? खान तो ऑडियंस के खराब होंगे। हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सो टोनी भैया इज बैक इन द टाउन विद अनदर क्रिंजी सॉन्ग, क्योंकि यूट्यूबर्स के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना यार। लेकिन मेरा एक सवाल है हनीफा जी से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी यार? जो हमारा ओरिजिनल सॉन्ग था कांटा लगा, वो तो कुछ नहीं है यार, टोनी भैया के सॉन्ग आगे। टोनी भैया ने इतनी मेहनत करी लिरिक्स पे, इतनी ज्यादा मेहनत करी है, क्योंकि पहले वाले सॉन्ग में था कि बंगले के पीछे, इसमें भैया ने कर दिया है महल के पीछे। तुम समझ रहे हो बंगले से महल करना कितना मुश्किल काम होता है यार। तुम्हें टैलेंट की कदर ही नहीं है जरा भी। वैसे टोनी भैया है बहुत टैलेंटेड यार, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में 15 पेज कैसे लिख के आना है, और वही हिसाब इनका गानों के साथ भी चल रहा है। टोनी भैया वो टेप रिकॉर्डर है जो अटक गए हैं और जिनको 4-5 थप्पड़ मारने के बाद भी नहीं चलेंगे, चलेंगे ही नहीं यार, उनको चलना ही नहीं है, मूड नहीं है यार उनका, क्या जबरदस्ती है। इतना सुनने के बाद मेरे कानों ने मुझसे साफ साफ बोल दिया, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। इस गाने का नाम यार कांटा लगा क्यों रखा गया है? क्यों? इस गाने का नाम होना चाहिए था उई माँ, क्योंकि जितनी बार कांटा लगा नहीं बोला गया उससे ज्यादा बार तो उई माँ उई माँ उई माँ बोल रही है ना यार दीदी और टोनी भैया। भाई साहब 3 मिनट 39 सेकंड के गाने में 2 मिनट सिर्फ उई माँ बोला गया है। इतना गाना देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई यार, कि ये गाना ज्यादा वाही याद है या फिर नेहा दीदी का गुलदस्ते जैसा गेटअप। आप ही लोग बताओ, आप कमेंट करके। अब लड़के की लाइन तो मिल नहीं रही, भैया को क्या लिखे यार, बहुत मेहनत करी भैया ने, फिर उसके बाद भैया ने सोचा चलो यही लिख देते हैं, हां जी मेरे महल के पीछे मेरे बगीचे कांटा लगा उई मां। अब तुम सोचो एक गाना है जिसमें लड़के की लाइन है ये, मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, तो इसी गाने में लड़की की लाइन क्या होगी अकॉर्डिंग टू टोनी भैया? तू जितना मुझे देखे तेरा मन ना भरे। अरे टोनी भैया क्या कर रहे हो यार, लिरिक्स नहीं लिख पा रहे हो, जल्दी जल्दी वीडियो लाना जरूरी थोड़ी ना है यार, आराम से लिखो, तसल्ली से लिखो, अच्छा गाना लाओ। लेकिन नहीं, आपने तो कसम खा रखी है हम नहीं सुधरेंगे ना, मतलब लड़की की लाइन तो कॉपी कर ली कांटा लगा गाने से, अब लड़के की लाइन तो समझ में नहीं आ रहा यार क्या लिखे, तो लड़की की लाइन को अपोजिट कर देते हैं। वाह। और मुझे तो ये लगता है ना टोनी भैया की इंस्पिरेशन ना फर्स्ट क्लास के राइमिंग बुक से, जैसे राम स्कूल जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, शाम खाना खाता है खाता है खाता है खाता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब ये तो कर लिया, लेकिन आगे तो लड़के की लाइन लिखनी पड़ेगी ना यार। फिर से धीमे धीमे धीमे, ओल्ड हैबिट ऑफ टोनी भैया, पिछले सॉन्ग में जो बोला है वो इसमें भी बोल देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब इनकी फेवरेट लाइन, आहा 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 टोनी
कक्कड़ के कानों पे नाचे लड़के जरा विसोई ना। What? कक्कड़ के कानों पे नाचे लड़की जरा विसोई ना। कौन है वो लड़की? किधर है वो लड़की? मुझे मेरी ऑडियंस हम दोनों को जानना है, कहाँ मिलेगी वो लड़की? मतलब इतना भी ना फेंको यार कि बंदा लपेट ही ना पाए। जनता माफ नहीं करेगी। जान जाने जहान, मैं तेरे शोले का अमजद खान। टोनी भैया ने जितने वर्ड अपने 10 साल के करियर में यूज नहीं किए होंगे ना, उससे ज्यादा वर्ड हनी पाजी 20 सेकंड में बोल के चले गए। बट टोनी कक्कर आफ्टर एवरी सॉन्ग यूट्यूब पे आता हूँ, समझ में नहीं। लिरिक्स का बजट तो शायद सेटअप पे ही खर्च किया जा रहा है, क्योंकि सारे गानों में बढ़िया तो वही दिखता है बस। सही बात है। लिटरली कांटा भी इस गाने को देख के बोल रहा होगा, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, इतना तो मैं चुभा भी नहीं था जितना तुमने उई मा कर लिया है। Well done. कांटा लगने से भी लोग मरते हैं क्या? मतलब मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है तो बताना मेरे को, क्योंकि हम भी तो नंगे पांव घूमते हैं यार पार्क में, और गांव में रहते थे तो नंगे पांव भी निकल जाते थे जंगलों में रोड पे ऐसी है। हमें तो नहीं लगा ऐसा कोई कांटा जिससे हम मर जाएं। इस सॉन्ग की सबसे अच्छी लाइन स्टार्ट होती है 3:39 से, क्योंकि इस सॉन्ग में 39 सेकंड है ही नहीं। वैसे इस तरह के गानों पे ना टोनी भैया कॉपीराइट भी लगा सकते हैं, फिर लाइसेंस बांटेंगे, पैसा ही पैसा होगा। तुम एक दिन देखना, टोनी भैया एक वर्ड से पूरा गाना बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। वैसे अच्छे लिरिक्स लिखने के अलावा टोनी भैया को एक और चीज नहीं आती, शर्म। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। वैसे टोनी भैया को भी इतना क्या ही बोले यार, उनकी भी क्या ही गलती है, उनके जैसे गाने चल रहे हैं वो वैसे गाने निकाल रहे हैं, अब ऑडियंस को जो देखना पसंद है वो वही दिखाएंगे ना। अरे नहीं भाई, वाओ लुक एट दैट। अब यही देख लो, टीवी वालों को भी पता है कि टोनी कक्कर को बनाएंगे अगर हम जस्ट, तो हमें मिलेगी टीआरपी। वैसे जिस हिसाब से भैया गाना गाते ना, इनको नुक्कड़ की दुकान पर नौकरी तक ना मिले, क्योंकि गाने तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी गा लेते हैं लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑडियंस भी कम थोड़ी ना है, इनका स्वैग भी भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे है, इनको गाना भी सुनना है। मत सुनो ना यार, नहीं बनाएंगे फिर वो। लेकिन नहीं, तुमको सुनना भी है, तुमको गाने पे नाचना भी है, तुमको गाली भी देना है, क्या करना क्या चाहते हो भाई? तुम लिस्ट देखो सॉन्ग की, बूटी बूटी सॉन्ग पे 66 मिलियन व्यूज, नंबर लीक पे 73 मिलियन व्यूज, 13 सूट पे 173 मिलियन व्यूज। अब ऐसा तो है नहीं कि ये गाने सारे एलियन सुनने आ रहे हो, बाकी जो सुनते हैं उनको हम एलियन बोल सकते हैं। मुझे क्या देख रहे हो, मैं शौक से नहीं सुनती, मुझे मजबूरी में सुनना पड़ता है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।